दोस्तों, जो फिल्मों के नाम आप सुनते हैं वो दरअसल फिल्मों के नाम एग्जैक्टली नहीं होते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको 6 ऐसी फिल्मों के नाम बताऊंगा जिनके नाम कुछ और थे पहले, लेकिन कंट्रोवर्सीज के चलते चलते कभी सेंसर बोर्ड मना करता है, कभी पब्लिक में इसका रेज होता है, जिसकी वजह से इनके नाम को बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों के नाम के बारे में जिन्हें पब्लिक ने स्वीकार नहीं किया और फाइनली फिल्म मेकर्स ने फिल्म के नाम को बदल डाला। सबसे पहली जो फिल्म आती है मेरे रडार में दोस्तों, वो है पद्मावत। पद्मावत का पहले नाम था पद्मावती और ये 1 दिसंबर 2017 को रिलीज होने वाली थी फिल्म। संजय लीला भंसाली सर की ये फिल्म थी दोस्तों। जब से ये फिल्म शूट हो रही थी तब से ही करनी सेना इसका विरोध कर रही थी, इसके नाम को लेकर काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी। फाइनली सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखी और फिल्म का नाम उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसे पद्मावत रखें। क्यों? क्योंकि एक महाकाव्य है पद्मावत, उस पर ये फिल्म बेस्ड है। तो फाइनली भंसाली सर ने कहा ठीक है, मैं मान जाता हूं और पद्मावती से फिल्म का नाम हो गया पद्मावत। अगली जो फिल्म है दोस्तों वो संजय लीला भंसाली सर की ही फिल्म है। 2013 में रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण ने पहली बार कोलैबोरेट किया संजय लीला भंसाली के साथ और फिल्म लेकर आए वो रामलीला। वैसे रामलीला उसका एग्जैक्ट नाम था, लेकिन फिर उसके बाद काफी ज्यादा हिंदू कम्युनिटीज ने और काफी ज्यादा जो लोग थे उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, बोला कि राम भगवान हमारे मार्गदर्शक थे, राम भगवान ऐसे थे, उनके नाम पर आप ऐसे नहीं रख सकते, लीला के साथ उनका नाम नहीं जोड़ सकते। तो ये हिंदू की जो सेंटिमेंट्स थे उनको हर्ट करने वाला नाम था। तो फाइनली फिल्म मेकर ने संजय लीला भंसाली ने फिल्म का नाम सजेस्ट किया गोलियों की रासलीला रामलीला और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई। अगली जो फिल्म है दोस्तों जिसका नाम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था वो है 2013 की फिल्म प्रभुदेवा, इसके डायरेक्टर थे, इसमें शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा थे दोस्तों। फिल्म का नाम आर राजकुमार। जानते हैं ये आर क्या है? दरअसल ये आर है रैम्बो। आप देखेंगे आर के बाद 4 डॉट्स हैं, आर डॉट डॉट राजकुमार करके है, तो रैम्बो था इसका नाम। तो रैम्बो सीरीज के जो मेकर्स हैं, जो रैम्बो जिसने एक्चुअल रैम्बो को लेकर आए थे, उन्होंने फिल्म के नाम को लेकर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया था दोस्तों और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। तो प्रभु देवा ने सोचा यार इसकी मेरी इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में कहीं मेरी फिल्म ना लटक जाए, तो बेटर है कि मैं इसका रैम्बो का आर रख लेता हूँ और एम्बो हटा देता हूँ। तो फिल्म जो है सिनेमाघरों में रिलीज हुई आर राजकुमार के नाम पर और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी यार। अगली जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वो शाहरुख खान की प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है। प्रियदर्शन ने उसको डायरेक्ट किया था फिल्म को और बहुत ज्यादा फनी फिल्म थी, जिसका पहले नाम जो था वो था बिल्लू बार बार। इरफान खान जी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी दोस्तों इस फिल्म में। तो अब जब बिल्लू बार्बर नाम रखा था ना, तो जितने भी नाई समुदाय के लोग हैं, जितने भी बार्बर्स हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट क्रिएट कर दिया था। उन्होंने बोला था ये हमारे नाम के खिलाफ है, हमारे प्रोफेशन के खिलाफ है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इसे बार्बर को हटाइए या पूरा नाम चेंज कीजिए। तो फाइनली शाहरुख खान और उनकी टीम ने ये सजेस्ट किया कि फिल्म का नाम हम रखते हैं बिल्लू, और बिल्लू ने बिजनेस भी ठीक ठाक किया था। लेकिन हाँ, इरफान खान जी के परफॉर्मेंस को लेकर सब ने यही कहा वाह बिल्लू वाह, आप तो छा गए। अगली जिस फिल्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उसका नाम चेंज करके अच्छा ही हुआ। बताऊं क्यों? क्योंकि इस फिल्म का एग्जैक्ट नाम था साली कुतिया। गॉड, बहुत ही ज्यादा सेक्सिस्ट नाम है दोस्तों और बहुत ज्यादा रबिश है। अच्छा हुआ सेंसर बोर्ड ने इसका नाम चेंज कर दिया। मैं बात कर रहा हूं 2015 की फिल्म कट्टी बट्टी का। देखो कितना अच्छा नाम है कट्टी बट्टी, कहाँ वो नाम था साली कुतिया, बहुत गंदा नाम था वो। अच्छा वो चेंज हो गया। कंगना रनौत की फिल्म थी दोस्तों, इसमें इमरान खान थे और इसके डायरेक्टर थे निखिल आडवाणी। कंगना रनौत का जो कैरेक्टर था वो कैंसर पेशेंट का था इसमें। फिल्म बहुत अच्छी थी दोस्तों, बट बिजनेस अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि लंबी बहुत ज्यादा थी फिल्म और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो डाउन थे इस फिल्म में। तो ऐसे में जब सेंसर बोर्ड के पास फिल्म गई साली कुतिया के नाम से, तो सेंसर बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि फिल्म का नाम चेंज करो यार, बहुत ज्यादा वाहियात नाम है। तो फिल्म का नाम फाइनली कट्टी बट्टी रखा गया। चलो कहीं तो कहीं हमारे सेंसर बोर्ड ने अच्छा काम किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2013 में जॉन अब्राहम की एक फिल्म आती है दोस्तों जिसका नाम था मैड्रास कैफे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुजीत सरकार ने।
अब मेड्रास कैफे का जो पहले नाम था ना दोस्तों, वो था जाफना। अब आप बोलेंगे राहुल भाई इसमें क्या कंट्रोवर्सी है, जाफना तो नॉर्मल सा है। लेकिन नहीं दोस्तों, श्रीलंका में जाफना एक जगह है, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बोला कि फिल्म का नाम चेंज करो और कंट्रोवर्सीज की शुरुआत कर दी। तो ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि चलो फिल्म का नाम हम रख देते हैं मद्रास कैफे। तो अच्छा हुआ फिल्म का नाम मद्रास कैफे ज़्यादा अच्छा लगा और जाफना जो था आई गेस इतना ज़्यादा कैची नहीं था। तो दोस्तों ये तो थी कुछ फिल्में जिनके नाम बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थे और जिन्हें चेंज कर दिया गया, किसी को प्रेशर में चेंज किया गया तो किसी को सेंसर बोर्ड ने जबरदस्ती चेंज करने को बोला। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन छह फिल्मों में से किस फिल्म को आपको लगता है कि हाँ भाई इसका नाम चेंज हुआ तो सही हुआ? जो भी कहना है नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार अपने फिल्मी यारों को, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा एंड फैमिली मेंबर हूँ यार, इतना सा तो कर ही सकते हो, क्यों यूट्यूब की फैमिली है हम। और फिल्मी अपडेट्स के लिए वॉच चैनल फिल्मी आरा विद राहुल भोज।